I think this line is likely to be the second lifeline of uh, Mumbai, and that is why it is so special. This will be the most travelled uh, metro corridor uh, of the city, and I would say even the country. Almost 20,000 uh, plus jobs will be created in this project. बीके प्राइम और एनडीटीवी के दर्शकों का बहुत स्वागत है माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई एक और इन फेमस चीज़ के लिए भी मशहूर है और वो है उसका ट्रैफिक लेकिन अब मुंबई की तस्वीर बदलने वाली है हर तरफ यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है चाहे वो ट्रांस हार्बर लिंक हो कोस्टल रोड हो एलिवेटेड कॉरिडोर हो नवी मुंबई एयरपोर्ट की तैयारी हो या फिर मेट्रो का जबरदस्त एक्सपेंशन ये चौतरफा डेवलपमेंट बॉम्बे की और एमएमआर रीजन की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में चार चांद लगाने वाला है और इस तस्वीर को बदलने का जिम्मा एक जिम्मा अश्विनी बिड़े को मिला है अश्विनी जी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बीएमसी में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर भी हैं अश्विनी जी वेलकम थैंक यू फॉर योर टाइम सबसे पहले तो मैनी मेनी कंग्रेचुलेशन मुंबई मेट्रो की सबसे तो 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 Uh, 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 सबसे ज़्यादा एम्बिशियस लाइन थ्री जिसे हम एक्वा लाइन भी कहते हैं उसका फर्स्ट फेज जो अब आर और बी को कनेक्ट करेगा दैट इज़ नाउ इन इट्स लास्ट लेग ऑफ कंप्लीसन दिसंबर 2023 की इसकी डेडलाइन है यू सी ये कि पूरी तरह पूरी होगी या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ डिले हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिसंबर ट्वेंटी uh, तक उसको पूरी तरीके से कमीशनिंग करें

थोड़ा बहुत वहाँ एक चैलेंज है और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है वो एक शंटिंग नेक एरिया होती है डिपो के पास विच कनेक्ट्स द मेन टनल टू डिपो जहाँ पे ट्रेन को पीछे जाके फिर से टनल के अंदर जाने के लिए जाने का एक अरेंजमेंट रहता है सो so, दैट शंटिंग नेक एरिया वी गॉट वेरी लेट दिस वॉज इन अप्रिल बिकॉज दैट वॉज लिटिगेटेड देर वॉज अ केस पेंडिंग विथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो अभी मिला हुआ है और ऐसा मिला है कि तब तक बारिश शुरू हो गई है बट वहाँ पर भी हम लोग बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं बट uh, हो सकता है कि वहाँ अगर थोड़ा सा डिले हो गया तो हमें डिले हो जाएगा बट ये डिले दो तीन महीने से ज़्यादा नहीं होगा तो आई वुड से द कमीशनिंग ऑफ फेज़ वन इज़ वेरी मच विद इन आर रीच नाउ एंड वी कैन विजुअली एक्चुअली सी इट हैपनी सो वी आर नाउ फुल्ली गियरिंग अप फॉर दिस लास्ट माइल पुश uh, कंप्लीशन अभी तीन लाइंस फंक्शनल है मेट्रो की और अभी चौथी लाइन आएगी लाइन इस पर थोड़ा सा विस्तार विस्तार पे बात कर, विस्तार से बात से करेंगे इसकी सबसे पहले खासियत बताइए इट सो तो स्पेशल आ, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज की गई थी फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस तो होल लाइन इसकी खासियत अगर देखी जाए तो सबसे अहम बात है कि ये पूरी की पूरी अंडरग्राउंड कॉरिडोर है तो ये तो कहीं पे कहीं जगह पे भी नहीं है और ऐसा है कि मुंबई जैसे शहर में अभी जो शहर एक पूरी मतलब देश की फाइनेंशियल कैपिटल की तरह चल रहा है उसके बीचों बीच हमें लाइन कर, करनी थी सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग सेकेंडली अमंग द एंटायर नेटवर्क जहाँ पे जितने भी काफ़ी सारे कॉरिडोर है ये मुंबई सिटी का ही 200 किलोमीटर का नेटवर्क है उसमें दिस इज़ द ओनली कॉरिडोर विच गोज इन द आइलैंड सिटी दैट इज़ द मुंबई सिटी और Uh, जो uh, जिसको हम लोग सदर साउथ मुंबई बोलते हैं और बाकी सारी लाइंस हैं जो कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट हो रही है सो ऑल दोज पैसेंजर्स आल्सो दिस इज द ओनली लाइन विच यू कुड टेक देम टू द आइलैंड सिटी सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस विज बी द मोस्ट ट्रेवल्ड मेट्रो कॉरिडोर ऑफ द सिटी एंड आई वुड से इवन द कंट्री बिकॉज इट इट हैज दी एच पी डी टी ऑफ सेवेंटी टू थाउजेंड सो जब हम एक शुरू करेंगे तो डेली देल, बारह सौ तेरह लाख लोग इस पे ट्रैवल करेंगे और उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी 17 लाख पैसेंजर्स पर डे तो इन ऑल रिस्पेक्ट्स उसका मैग्नीट्यूड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इंटेंसिटी उसका यूसेज और द वे इट इज कनेक्टिंग टू द अनकनेक्टेड एरियाज ऑफ मुंबई आई थिंक दिस लाइन इज लाइकली टू बी द सेकेंड लाइफ लाइन ऑफ मुंबई एंड दैट इज वाई इज सो स्पेशल एंड वॉट द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव दिस दिस टाइम पर्टिकुलरली फॉर एंटायर लाइन आई वे दैट वी हैव इन्वेंटेड और बहुत ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी में नहीं है जो है बाकी जगह पर भी वो यूज की जाती है बट एक हो गया है फुल्ली अंडरग्राउंड कॉरिडोर ऑल दो पॉसिबल टेक्नोलॉजीदर देर कंबाइंड सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉरिडोर विच इज पासिंग थ्रू वेरी कंजेस्टेड एरियाज ऑफ मुंबई लाइक गिरगांव कल्बा देवी ग्रैंड रोड दादर शीतला देवी वरोलनाका फोर्ट एरिया वेर हेरिटेज And that is why almost out of 26 underground stations, 7 of our stations are NATM stations, where you get a very small cut on the surface for your station construction. So, that vertical cut uh, you have to use, go inside, and then start uh, uh, creating cavity horizontally. So, this is a very specialized kind of technology. And in India, as I remember, in Delhi, there is only one your Chowdhury Bazaar station is like that but here in one single corridor in close vicinity of each other, we are doing seven uh, such stations. so this is something very unique. and for that, it's a very complex operation which we had to do. and all those stations are now almost ready. apart from that, all other things are uh, more or less the same which are used in other metros. this is also driverless uh, trains we are using, cbtc signaling system we are using. one more unique feature i would say because this being a fully underground corridor, we have to take care of the vibrations uh, which would be there once the operations are uh, started and that is why we worked on it we studied that so once the train starts running the people on surface should not uh, feel those vibrations so for that we have adopted a different track structure so this is a double attenuated uh, track system. and this is for the first time in india uh, that is being utilized so which we had to do a lot of r&d uh, for that uh, another thing that initially we even reduced the station lengths to uh, reduce the cost. So that time also our ventilation system, which otherwise used the way it is used in a underground uh, structure or the way it is fitted in that underground structure, there was some uh, thing which was done differently, which helped us reduce the station length. So these are some of the unique things which are there in the project. But apart from that, this is a very a modern uh, metro system and which has all uh, different kinds of uh, technical advancements so we have cbtc system we have driverless uh, train operation uh, automatic train control system automatic train protection then uh, uh, air conditioning of the station as well as the ventilation system and tunnel so all those features of a modern metro they are also here yeah, thoda or aur uh, is on uh, mumbai ki commuters

देन इवन अंडरग्राउंड में आपकी पूरी मोबाइल कनेक्टिविटी वाईफाई की भी ये कोशिश कर रही है ये सारा उसमें रहेगा टॉयलेट्स होंगे इवन डाइपर चेंजिंग फैसिलिटीज मेल एंड फीमेल टॉयलेट्स में रहेंगी फॉर सो देर आर लॉट ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर इशूज़ आई वुड से विच विच इंकर इंक्लूजिव ट्रेवल फॉर इवन फिजिकली चैलेंज पीपल इट वुल बी वेरी ईजी वंस दे एंटर द स्टेशन Then they can, uh, you know, uh, move uh, out without any help also. So, this that kind of system. So, our uh, walking corridors as well as lift escalators will have all those features. Uh, so, these are uh, something. So, bikers can enjoy a safer, faster, reliable and comfortable travel because this is an air conditioned system. Uh, second thing is here we have in a 33.5 kilometer long corridor, we have 27 stations 26 underground yeah. so the distance between two stations is hardly 1 kilometer so it is going in those areas which are today not connected by suburban system so maybe people may not need another mode of transport for last mile uh, connectivity uh, and third important feature is this corridor is connecting to so many other metros like metro line 2 metro line uh, 1 metro line 6 metro line 7b so, it is easy to and with, uh, with the common mobility card and the NCMC based uh, card system, they can easily switch over from one mode of transport to other and it is also connecting to central uh, line of cent, uh, central railway suburban system, western railway suburban system, BST uh, uh, hubs wherever mm -hmm. they are and the state transport hub also. Airport so i think and airports everything is and two corridor two uh, airport connectivity which i just forgot to mention that is the most important uh, part of it because both the both the, the, airports, both the right. airports and uh, the, there will be a very easy uh, connectivity between uh, airport and uh, metro station so these are probably uh, the important features i would say which mumbai cars would enjoy so it's uh, connecting the unconnected is our motto so <laughs> that is one thing

फर्स्ट कॉरिडोर कमीशन होने के बाद छह सात महीने में दूसरा कॉरिडोर भी होगा। जुलाई जुलाई अगस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। ईयर। फुलडोर स्टार्टन कमीशनिंग पूरा कॉरिडोर कमीशन होगा तो शुरू में बारह से तेरह लाख पैसेंजर्स पर डे इस पे एक्सपेक्टेड है और बाद में अल्टीमेटली जाके सत्रह लाख पैसेंजर्स पर डे इस पे एक्सपेक्टेड क्योंकि तो कितना ड्रॉ करेगा जो अभी लो, मुंबई लोकल है या। इसमें कितना? ये कॉरिडोर इस तरह से है क्योंकि ये ऐसे एरिया में जा रहा है आज जहाँ पे सीबीडीज um, है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स है बट दे आर नॉट कनेक्टेड बाय द सबरबन रेल नेटवर्क सो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आज भी लोग पहुँचने के लिए रोड ट्रैवल uh, करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि टोटल राइडरशिप में कब एटलीस्ट एटी फाइव परसेंट वु फ्राम द रूट्स एंड फिफ्टीन परसेंट वुड कम फ्रॉम द सबर्बन सिस्टम जैसे आप देखते हैं कि लाइन टू और लाइन सेवन है ये पैरल है सबर्बन सिस्टम को तो उनसे ज्यादा लोग सबर्बन से आते हैं, आते हैं। बट हैं। ये है उसमें कुछ सेक्शन में वो पैरल है बाकी सेक्शन में वो ऐसे एरिया में जा रही है जहाँ पे आज सबर्बन कनेक्टिविटी है ही नहीं तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स रोड से, से यहाँ ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर हो सो so, जो आज प्राइवेट व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या आईपीटी पी यूज़ कर रहे हैं टैक्सीज या, टैक्सी या बसेस तो वो लोग हैं इस मैम मुंबई में कहते हैं कि टाइम इज़ मनी एक्चुअली कितना नेट नेट टाइम बचेगा और क्योंकि आप बीएमसी भी संभालती हैं सो व्हाट अबाउट दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसकी आप बात करें यानी स्टेशन से अगर ऑफिस जाना है या उसकी दूरी को हम कैसे फैक्टर इन करेंगे उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं या उसके लिए अब आप थोड़ा सा डिले करेंगे या हाउ हाउ इज़ दैट पैनिंग आउट नहीं वो डिले तो कुछ नहीं करेंगे पहली तो मैंने जैसे बोला कि स्टेशन का दो स्टेशन का डिस्टेंस इतना कम है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ऑन फूट ही अचीव की जा सकती है बट देर वुड बी सम एरियाज़ जहाँ पे लोग उस लेकिन उसके बाद भी उनको जाना है तो इसके लिए आपको बी की बसेस टैक्सीज ओला उबर इस तरह का ये ऑटोज़ ये, ये यूज़ करना पड़ेगा और वो अपने आप फॉलो करता है जैसे ये स्टेशन का एक बार राइडरशिप uh, एस्टेब्लिश हो गई लोगों का अपना एक ट्रैवल पैटर्न सेट हो गया तो नेचुरली बी से तो हम लोग टच में है ही और बी एस टी इज़ ऑल्सो अवेयर दैट सो मेनी मेट्रो स्टेशन आर कमिंग अप सो दे विल हैव टू री ओरियंट देस उनके कुछ रूट्स अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स हैं उनके वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे और उनके शॉर्ट डिस्टेंस रूट ज़्यादा रहेंगे मे बी छोटी बसेस uh, उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वैसे ही जो बाकी के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको आप आई पी टी बोलते हैं उनको भी इससे अलाइन करना पड़ेगा तो वो चीज़ें धीरे धीरे होती रहेगी हम लोग जैसे हम कमीशन करेंगे फेज़ वन कमीशनिंग के बाद हमको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा कि ये ट्रैवल पैटर्न किस तरह से होते हैं तो स्टेशन के बाहर जहाँ जहाँ पे जगह है वह हम लोग रीओरियनटेशन ऑफ बी एस टी बसेस और या ऑटो स्टैंड है या टैक्सी स्टैंड है या फिर वहाँ पे व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अगर कुछ करने हैं जहाँ पे जगह है तो ये सारी चीज़ें जो स्टेशन एरिया प्लानिंग है वो भी हम लोग साथ, -साथ उसका कर रहे हैं इंटर मॉडल कनेक्टिविटी पर भी हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जैसे जहाँ पर भी आ, मेट्रो का सी एस टी स्टेशन है और अपना जो सेंट्रल रेलवे का भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है तो उन दोनों में कनेक्टिविटी कैसे इम्प्रूव जाए अभी तो हमारी है ही एक हमने हमारे स्टेशन से उनके स्टेशन तक जाने के लिए जो बीच में एक पेडिस्ट्रियन सब्वे बना हुआ है उसको ही हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ओके okay. लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सीएसटीएम स्टेशन भी इम्प्रूव हो रहा है तो हम लोग रेलवे से वो भी बात कर रहे हैं कि अगर वो इम्प्रूव होने के बाद कोई और अलग से इसको अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी की जा सकती है क्या दैट वी आर अटेम्प्टिंग वी आर ऑल्सो अटेम्प्टिंग कि जहाँ पे बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं मॉल्स है या कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है उनको एक अंडरग्राउंड कनेक्टिव कनेक्टिविटी कैसे दी जा सकती है तो उसके लिए हमने एक यू आई पब्लिश किया हुआ था

स्टेशन पे उतरने के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट प्लेस या लेटर ऑन ऑन द रिटर्न जर्नी टू द रेसिडेंस जाने का जो टाइम है वो कम और कैसा हो तो ये हम लोग कंटिन्यूसली ये इंटर मॉडल कनेक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट है या कम्प्यूटर के जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश लगातार आगे भी करते रहेंगे दैट इज़ वेरी अश्योरिंग बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है स्टेशन से उतर गए अब ऑफिस hmm. कैसे जाएं? So One we have a full-fledged planning team with us, hmm. and there are uh, transport planners, and they will keep uh, doing this because first challenge is that we to construction, kare, yeah, yeah. commission the train, and once uh, the corridor is commissioned, then all these uh, softer issues, which uh, which improve the the commuting uh, experience yeah. of people, so we will continuously work on it. तो ये एक्वालाइन की टोटल कॉस्ट यानी लागत जिसे हम कहते हैं वो कितनी है और इसकी फाइनेंसिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्लीज टेक एंड प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट फॉर आर व्यूअर्स द ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट विच वॉज कैल्क्युलेट एज पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड इलेवन वॉज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन करोड सो बिकॉज दिस इज अज प्रोजेक्ट एंड इट नीड्स लॉड ऑफ फंडिंग

And uh, remaining money is coming uh, as sub subordinate debt from both center and state government, which is mainly towards uh, tax payment as well as rehabilitation and land acquisition cost. And some amount we have to generate, like 1000 crores, the company has to generate through uh, different modes, like uh, uh, basically commercial uh, land ka koi, uh, commercial use karke. Uh, kuch hume airport ki se mil rahe, uh, airport. के इसमें तीन स्टेशन का पेमेंट उनकी तरफ से हो रहा है सो दिस इज हाउ इट इज बट दिस कॉस्ट वॉज कैलकुलेटेड इन टू थाउजेंड इलेवन एट पर दोज एंड दैट टाइम देर वॉज नो बेंचमार्क कॉस्ट अवेलेबल फॉर मुंबई फॉर सच अज अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट सो आर कॉस्टिंग और एस्टिमेशन वॉज बेस्ड ऑन डेली मेट्रोज फेज थ्री बट uh, जिसमें पूरी तरीके से मुंबई की जोग्राफी मुंबई की जियोलॉजी मुंबई की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैप्चर नहीं हुई है नहीं। तो हमें जो फाइनली मार्केट uh, प्राइस डिस्कवरी होती है जब हमने बेड किया तो उसमें एक तभी एक कॉस्ट बढ़ी हमारी फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट में डिले भी हो गया फॉर वेरियस रीजंस फिर जीएसटी आ गया जीएसटी पहले था नहीं आ, ए, ए, फ, देन जो फॉरेन एक्सचेंज कॉम्पोनेंट है उसमें उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशन है कोविड का इम्पैक्ट आ गया इन सबसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है तो उसका रिवाइज डी पी आर और रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेशन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव लास्ट ईयर इन ऑगस्ट और अभी राइट नाउ इट इज अंडर द फाइनल कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चौदह हजार करोड़ से कॉस्ट उसकी uh, बढ़ गई है और बढ़ी है।, है।, है तो कर, करीब थर्टी सेवन थाउजेंड प्लस करोड़ की टोटल कॉस्ट है उसमें भी जो एडिशनल बढ़ी हुई कॉस्ट है उसमें भी फिर जायका का सेम तरह का फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग होगा जायका का लोन होगा मेनली और बाकी जो है वो इक्विटी और सबॉर्डिनेट डेट से आएगा फाइनेंसिंग और उसमें अभी कोई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बल्कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल और जायका का रिवाइज लोन एग्रीमेंट जो साइनिंग है वो अभी अवेटेड है बट उसकी प्रोसेस पूरी चल रही है जायका का अप्रेजल हो गया है एक फेज का एक फैक्ट फाइंडिंग हो गया है तो ये प्रोसेस में और हमें एक वन थाउजेंड करोड़ हमें कुछ लैंड का कमर्शियल यूज़ से करना है तो उसके लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें विधान भवन स्टेशन जो हमारा है वो अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर जो लैंड बचती है उसके ऊपर हमें वो लैंड को डेवलप करके हमें उससे पैसा रेज करना है वो लैंड भी गवर्नमेंट ने हमको दे दी है उसका ट्रांजेक्शन एडवाइज़र हम अभी अपॉइंट कर रहे हैं तो उससे भी हमें कुछ पैसा इसमें मतलब ये कर करना है हाँ मैंने सी बी डीज यानी जो कमर्शल बिजनेस डिस्ट्रिक्स होती हैं वो कितनी कनेक्ट होंगी इस पूरे वाली लाइन में आई गेस ऑलमोस्ट छः कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर द एम्प्लॉयेंट सेंटर्स ऑल्सो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल लाइक फोर्ट एरिया है चिरा बाजार एंड वो सारा जो uh, गिरगाँव का जो एरिया uh, है दादर ऑफ कोर्स है प्रभा देवी uh, है देन बी के सी है मरोड़ है देन एम आई डी सी एंड सीव्स एरिया है So these are roughly around uh, six, seven uh, CBDs or employment centers. I would say they are getting connected, and most of these employment centers today are not on the suburban network. Correct. So that is why uh, it is very important that this uh, rail-based uh, line is uh, uh, connecting to them. So this me intersecting uh, Mumbai local corridor will be. Upcoming metro lines north maybe be. Headquarters yes, yes, government or be, and both airports connect. All okay. take us through the difficulties and challenges at one of the mumbai's oldest commercial districts, that is kalbadevi. kalbadevi, or i will say girga also, for that matter. so these two stations, uh, they were the most difficult uh, stations, i would say, because uh, this is the area where it was a must to have underground station. otherwise, uh, if we don't connect those areas, then uh, because it is difficult to do, uh, that won't, That would not have served the purpose. So we had to have that connectivity, but it was so difficult to do it because on ground there was absolutely no space, because the main road that uh, the, which uh, traverses through Girgama and Kalba Devi, uh, that road uh, is the road width is just 10 to 11 meters, and uh, already a lot of traffic is flying. Then there are commercial establishments on that road, so they need access from the road. And on those, that kind of a road, doing these two underground stations and all dilapidated old, uh, 100 year old buildings. All British are there, era buildings, buildings, era are, buildings, there, are, buildings there. are there. They are very precarious uh, conditions. Plus, these buildings are, there owners are different and the tenants are uh, different. So, uh, and they have a lot of redevelopment potential also. But for various uh, limitations, the buildings are not getting redeveloped. So, in such scenario, doing these two underground stations was a big challenge. And it needed a huge land acquisition, uh, demolition of those buildings, temporary shifting of all the Residence tenants, okay. plus ensuring that they are part of this whole redevelopment scheme. So, getting their documents cleared and all, and then planning their in situ redevelopment. Because shifting them out was an easy option, apparently, but obviously nobody would uh, leave that place if they have an uh, ah, in situ so redevelopment uh, opportunity. Yeah. So. But convincing those people, because people have very had very bad uh, and sore experiences as far as redevelopment is concerned. And because especially the complex redevelopment, developers shift them, but they are not sure when exactly the new building is. Uh, and that is why because of these uh, experiences, sore experiences, people were not ready to trust us in the beginning. So we had to had multiple meetings with them. I personally attended 50-60 uh, odd meetings. Uh, in smaller groups, then we have a complete team. We s started an office there just to convince people. Then we finalized which buildings are to be acquired, then acquisition of that building. Many of these buildings or land records were not updated, transactions were not recorded so we found a way out i can't give details of each and everything here no yeah, I'm, I'm sure you are so active but, on uh, social yeah. media i'm mm. sure, mm. sure so around there pe are pe many people so finally we convinced we uh, created a mechanism by which we have been paying them rent for past uh, 5 years after doing our underground stations we have uh, carved out uh, 2 3 areas 2 3 plots where now we are building towers for them where all these people would come back that work has also started the high rise uh, high rise building okay and where these people would come back but it was not an easy exercise because each house has a different measurement then there are certain development control regulations which would allow development in a particular way so we had to take some special sanctions uh, from the government so that was one thing so there in situ rehabilitation and while constructing this station, the station construction also was very difficult because, as I told you, we had a very small space on the surface mm -hmm. and beneath that, uh, without disturbing uh, the these heritage, buildings, structures, yeah. heritage structures, without creating any additional damage to these buildings. So, we had to maintain work at a certain space. Even the control blasting had to be done in a different manner. Uh, we have very limited space to take out the mark and uh, so, all those challenges have been tied over over a period of time. And these stations are now in the final stages of uh, it, will still take some time, but now that is a done thing. So, Girgaon, I think uh, most of the uh, Kalbadevi, Girgaon, Grand Road, these stations are now Kalbadevi station, even though we started late, we have progressed uh, quite a lot in that station. Girgaon is taking little time because we have hard rock there, and uh, but still it is now uh, in, a, in a proper shape where we can say that. Now by next uh, July or so, but uh, now I you're not facing any protest and everything is settled, right? Most of the okay. things. Yes. Okay. So, how much employment mm -hmm. generate in this project? Mein, if you can give us an idea. There is, I think, if you include all the labor uh, working in the project, different vendors, sub vendors, their labor, then I think uh, uh, almost twenty thousand uh, plus uh, jobs must have been created in this project. And even during operations, also uh, few more jobs uh, would be there. So it's a that way. It's a huge uh, and this you see investment of this size when it happens in a the city, uh, then lot of local uh, vendors, local uh, suppliers, they they get uh, they definitely get benefited. So the city uh, uh, in a nutshell.

इट कम्स फ्रॉम नॉन फेयर फेयरबॉक्स रेवेन्यू एवेन्यूज़ सो उसमें बेसिकली एडवर्टीज़मेंट राइट्स होती है उसमें नेमिंग राइट्स होती है इसमें स्टेशन पे थोड़ा बहुत अगर आप कमर्शियल कर सकते हो थोड़ा बहुत जिस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं बट कनेक्टिविटी से हमें रेवेन्यू नहीं आएगा लोगों को जैसे अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी पैसा तो उन लोगों को खर्च करना पड़ेगा बट उनको हमें पैसेंजर्स मिलेंगे ज़्यादा तो उसका हमने किया है बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डन नेमिंग राइट्स उसका एक लॉट हमने किया उसमें हमको हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया अभी द सेकेंड लॉट ऑफ स्टेशन वी हैव ऑलरेडी एडवर्टीज देन जो एक uh, इसमें ऑप्टिकल फाइबर है हमें हमने डाला डाले हुए हैं या मोबाइल कनेक्टिविटी उससे हमें थोड़ा सा रेवेन्यू आएगा फिर एडवर्टीजमेंट राइट्स का भी हम अभी टेंडर uh, प्रोसेस कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर आवर रेवेन्यू जनरेशन बट द सेम थिंग ऑल्सो हेल्प द कम्प्यूटर्स फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स सो दिज आर द एवेन्यूज वी आर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरग्राउंड मेट्रो वुड हैव समिटेशन बिकॉज ऊपर हम लोग नहीं है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो में स्पेस भी कम रहती है mm -hmm. और उसमें जो भी पॉसिबल कमर्शल uh, ये हो गए कुछ uh, जैसे ए टी एम हो गए कुछ स्मॉल स्मॉल जहाँ पे फूड uh, uh, जो yeah, food, yeah. ये रहती है जो जहाँ से हम लोग वेंडिंग मशीन रहती है।, है उस तरह के कुछ बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं होंगे बट क्योंकि तो स्पेस भी मुंबई इतना राइडरशिप है तो वी हैव टू तो कीप स्पेस बेसिकली फॉर द कम्प्यूटर्स बट जहाँ भी पॉसिबल है और कुछ स्टेशन हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें जैसे सिद्धिविनायक स्टेशन है उसके ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा फ्लोर मिला हुआ है कि जो हम कमर्शियली एक्सप्लॉय करेंगे वैसे कपरेड स्टेशन है उसके ऊपर हम एक

We have uh, taken care a lot about uh, the problems which which are faced by the commuters during construction, mm -hmm. and I think this corridor. If you specifically asked about these corridors, people won't complain that much because even on the road, out of uh, 26 underground stations, 18 of our stations are below roads. So we have managed the construction of these st st stations because if you look at the quantum of construction underground we are doing almost 3 2 lakh square feet of space we are creating underground mm -hmm. so it's a huge construction but while doing that we didn't stop the traffic we in fact while we were working beneath road we created we had these steel decks or concrete decks yes, on yes. the station mm -hmm. so traffic definitely traffic got affected a little bit but we ensured that it is not stopped only in certain areas like uh, dadar or shitla devi the original road width was uh, very narrow where people are facing problem, or elsewhere you would see that uh, traffic was managed properly. We put lot of traffic marshals throughout this and we work very closely with uh, uh, traffic police so that people are not at all hassled uh, because of this. And now, if you see wherever we are completing our station works, we are reinstating the roads. At many places, it has already happened. Uh, then we had also taken care of a lot of things like the uh, the vehicles which come out of our uh, construction sites and mm -hmm. they go on the yes, road. Right. They create nuisance. Yes, 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 yes. So we have this wheel washing facility. It was mandatory for our vehicles to cover uh, them when they are especially they are taking out the construction debris. So we since beginning and that was uh, our this is something which we disciplined our contractors also by conducting continuous workshops on this. That they have to maintain this discipline that this project should not add to uh, the chaos, the in chaos city, and I'm the sure. pains <laughs> which commuters are doing. And now our project is almost done, uh, overall 82 percent. And if you phase one, you see uh, almost 89 90 percent work is done. So once the station works are done, we are reinstating those uh, areas in a much better way. So I think people uh, have gone, I mean, that stage where people were really. Uh, facing problems like a lot of noise because of uh, the, the excavation, digging, piling yes, work yeah. that is long gone, and we are slowly giving back to the land which we had taken from the city. रोड uh, yeah. चलो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है yes. मुंबई की कायाब पलटने वाली है देर से ही सही लेकिन मुंबई बदलने yeah. वाली है एंड थैंक यू यू एंड योर टीम इज भिड़े इज डूंग वंडरफुल जॉब यू खुद एम आई डी सी के स्टेशन पे गए थे बीके सी के स्टेशन पे गए थे अमेजिंग जॉब यू गाइज डन प्लेजर स्पीकिंग विद यू थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू सो मच